यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन यहाँ पे। तो स्टूडेंट कल भी हमने डिस्कस किया था जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो कुछ ऐसा फॉर्म में आती है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आया कहाँ से स्टूडेंट? क्योंकि हमने हमारे पास अगर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं सिर्फ यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उनका इक्वेशन, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास कर ओरिजिन से पास करती है। तो स्टूडेंट उनकी दो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो ओरिजिन से पास करती है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन जो मिलता है वो आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू मिलता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था इस फॉर्म में, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, जो क्योंकि ये आप देखेंगे जो मैंने लिखा है जनरल, तो ये तीन टर्म ही मिलते हैं और ये वाले आपका हो जाता है उसमें जीरो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अभी कि अगर आपके पास इन जनरल बात कर रहे हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई, तो ऐसा फॉर्म आता है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आया कहाँ से स्टूडेंट? ये कंबाइंड इक्वेशन किसका है, एक बार मैं वापस से लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट। अगर दो स्ट्रेट लाइन है जिनका इक्वेशन कुछ ऐसा है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो आप इनका कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट तो कुछ ऐसा मिलेगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म मिलेगी ना, तो वो बेसिकली ऐसा फॉर्म मिलेगा ए एक्स ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप यहाँ पे ए वन ए टू को ए बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो कोई भी अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऐसी होती है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो मैंने सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन कब बताएगी, वो अभी हम बात करेंगे क्या कंडीशन है। ठीक है, लेकिन समझ में आया स्टूडेंट आपको? अगर मैंने कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे इक्वेशन ली हुई है, अगर मैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखूं स्टूडेंट, तो बेसिकली वो यही फॉर्म में आएगी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो सेकंड डिग्री जो इक्वेशन मैंने बताई है एक्स एंड वाई, ये हमेशा पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, सो सिर्फ इतना बोला है कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आप लेंगे उनका जो कंबाइंड इक्वेशन वो इस ऐसा फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो कल हमने फटाफट डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट, तो यही डिस्कस किया था कि जो ज्वाइंट इक्वेशन है कोई दो लाइन की, वो हमेशा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आती है इन एक्स एंड वाई। उसके बाद हमने बोला था अगर लाइन आपका ओरिजिन से पास कर रही है तो उनका जो इक्वेशन है ज्वाइंट इक्वेशन स्टूडेंट, वो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाती है एक्स एंड वाई में। उसके बाद हमने बात करी थी अगर कोई भी दो लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो उनका ज्वाइंट इक्वेशन बेसिकली आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट याद रखिए जो ऑल जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो हमेशा कंबाइंड इक्वेशन और पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन है कि कब वो इक्वेशन आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, उसमें कुछ एग्जांपल भी दिया था, देख लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन है, बट ये आपको पता है सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ये आपको पता है पैराबोला की है। वैसे ही अगर आप इलिप्स हाइपरबोला उनका भी इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाता है इन एक्स एंड वाई। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। तो ये हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट, और यहाँ पे कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, वो ऐसा फॉर्म में है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन तब रिप्रेजेंट करेगी, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है ये, तब होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगा। स्टूडेंट ये एक डिटरमिनेंट कहाँ से आया, ये जब हम कॉनिक सेक्शन का पूरा डिटेल में डेरिवेशन करेंगे कि कॉनिक्स का जो इक्वेशन आप निकालते हैं वो कैसे आया, उस टाइम हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, तभी ये आपका जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, ये आप पेयर ऑफ लाइन्स का कंबाइंड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आप बोल सकते हैं ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन्स तब रिप्रेजेंट करेगा जब ये डिटरमिनेंट, यहाँ पे लिखो फर्स्ट रो में ए एच जी, सेकेंड रो में एच बी एफ एंड थर्ड रो में जी एफ सी, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आपकी। स्टूडेंट कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपल बहुत सारे ट्रिक है इसको याद करने के। तो आप बोल सकते हैं जैसे कुछ नाम
बना के याद कर सकते, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोन फॉर सिनेमा, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, नहीं तो एकदम इजी ऑब्जर्व भी करेंगे। तो फर्स्ट रो में ए एच जी है, फर्स्ट कॉलम में ए एच जी है, ठीक है स्टूडेंट देख लीजिए। उसके बाद जी एफ सी आपको थर्ड कॉलम में दिख रहा है, तो जी एफ सी आपको थर्ड रो में भी दिख रहा है, और बीच में क्या लिखा है आपने, बी लिखा है। आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो होगा तभी ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो स्टूडेंट ये मिलता है, आप चाहे तो ये वाला कंडीशन याद कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने पे ये मिलता है। एंड यहाँ पे मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं, वैसे तो पूछ नहीं रहे हैं लेकिन पूछ भी लिया कि जो आपने कंबाइंड इक्वेशन लिखी है दो स्ट्रेट लाइन का, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली ये आपके पास फॉर्मूला मैंने दिया है कि यहाँ से आपको दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। और जो ये वाली जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन मैंने बताई है, और मैं बता रही हूँ कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, और ये आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कंबाइंड इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन का, तो ये कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है स्टूडेंट। इफ एंड ओनली इफ है, मतलब ये जरूरी है फॉलो होना, अदरवाइज हमेशा सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता, आपको कोई भी कॉनिक सेक्शन मिल सकता है, ठीक है। एवरीवन ध्यान समझ में आया, क्योंकि अभी हम अगर सर्कल की भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो आप यही जो सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है यहाँ पे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन यही यूज करेंगे, लेकिन वहां पे हम कुछ बताएंगे, उसमें कुछ कंडीशन बताएंगे कि कौन से टर्म क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, ये वाला कंडीशन यूज करके हमें अभी क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टूडेंट अगर मैं बात की जाए अभी एंगल बिटवीन, यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको एंगल निकालना है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, तो सेम फॉर्मूला आता है आपके पास, ये टेन इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कैसे आया था देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया था बेसिकली। तो आपने देखिए दो स्ट्रेट लाइन ली थी, देखिए यहाँ पे यू इज इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू जीरो, ये दो लाइन की इक्वेशन लिख दी है आपने, उनका ज्वाइंट इक्वेशन आपके पास हो जाएगा यू वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये फॉर्म में आता है। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, जो हमने लाइन की इक्वेशन लिए है यहाँ पे सी वन सी टू कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट थे इक्वेशन में, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने कॉन्स्टेंट टर्म रिमूव कर दी, मतलब वो जो लाइन आपने ली थी उसके पैरेलली ली है, यू डैश इक्वल टू जीरो ये यू इज इक्वल टू जीरो के पैरेलल ली है, वी डैश इज इक्वल टू जीरो ये वी इज इक्वल टू जीरो लाइन के पैरेलल ली है, तो इनका ज्वाइंट इक्वेशन ये आएगा डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा मिल रहा है, यू डैश इज इक्वल टू जीरो एंड यू इज इक्वल टू जीरो ये दो लाइन पैरेलल है, वी डैश इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो दो लाइन पैरेलल है। तो स्टूडेंट अगर आप बात कर रहे हैं यू डैश इज इक्वल टू जीरो एंड वी डैश इज इक्वल टू जीरो के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और कंबाइंड इक्वेशन अभी हमने डिस्कस किया कि कैसा लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो थीटा यहाँ पे आएगा वही थीटा यहाँ पे आता है, और हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर आपके पास दो लाइन है, जो स्टूडेंट पढ़ा था कि नहीं लास्ट टाइम, देखो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे यू डैश इज इक्वल टू जीरो वी डैश इज इक्वल टू जीरो, तो ये दो लाइन आपका ऐसा हो रहा है जो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, और हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि दो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है उनका कंबाइंड इक्वेशन, अब बेसिकली आपको होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू मिल रहा था, और उसके बीच में हमने देखा था एंगल थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास आ जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ टू इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से सेम कंडीशन जो पहले पड़ी थी कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, जब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, लाइन पैरेलल कब होगी या कोइंसिडेंट कब होगी, जब आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यूज करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक आपने ये पढ़ा नहीं है, अभी नहीं पढ़ा है तो आप ये डेफिनेटली 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ही बाकी है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में, तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको प्रूव करना है, शो दैट द इक्वेशन, जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, इसका मतलब है ये दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, ऐसा आपको प्रूव करना है। अगर आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया इन एक्स एंड वाई, तो हमने बात करी थी जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है इन जनरल वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगा जब वो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास जीरो आती है तभी,
ठीक है स्टूडेंट, तो वही चेक करना है आपको। और यहाँ पे साथ में एक्यूट एंगल पूछा है, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। और साथ में ये भी बताना है कि दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन अगर ये है, तो उनके बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो वो कितना होगा, वो आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्वेश्चन? तो अभी इसको कर लेते हैं। प्लीज बता दीजिए जो भी है यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट, रजनीश, यस सर। अदिति, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ आपको। और इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, जनरल जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है उससे। तो हमने ये लिख दिया है इक्वल टू जीरो, आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद, आप इसको कंपेयर करेंगे, इसका कुछ नाम देना चाहे तो दे दीजिए, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयर करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। देख लीजिए, ए की वैल्यू हो गई 1, 2h की वैल्यू हो गई -6, मतलब h की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ -3 हो गई, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, अभी b की वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पे 5, 2g आपके पास हो गया 10, मतलब g आपके पास हो गया 5, ठीक है? 2f आपके पास -14 हो गया, मतलब f की बात करें तो स्टूडेंट f आपके पास हो गया -7, और ये जो c है ये आपके पास हो गया 9। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट। यस ओके, ये वाला हमें कंपेयर करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल गई है एक्स एंड वाई में। और हम बात करते हैं, जब भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलती है एक्स एंड वाई में, तो वो हमेशा पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करता है, अलग अलग कॉनिक सेक्शन मिल सकते हैं, सर्कल मिल सकता है हमें, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब मिल सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो जो डिटरमिनेंट की बात करी थी उसकी वैल्यू जीरो होना कंपलसरी है, तो वही हम चेक करते हैं कि वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दिया था, तो ये हम ये मिल गए हैं। तो अभी कंसिडर करते हैं, कंसिडर आपको चाहे तो बहुत ईजी है इसको याद करना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 की है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ए एच जी, ठीक है? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोन फॉर सिनेमा, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा ट्रिक देखिए, पहले रो में ए एच जी है, फर्स्ट कॉलम में भी ए एच जी है, थर्ड कॉलम में स्टूडेंट आपको जी एफ सी दिख रही है, थर्ड रो में भी जी एफ सी दिख रहा है, बीच में क्या बचा, बी बचा, वहां पे जो खाली जगह बची, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बी लिख दीजिए, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि जीरो के बराबर आती है। तो यही कंसिडर करते हैं, इसको चेक करते हैं। चलो, तो ये हमारे पास हो गया डिटर्मिनेंट। अभी ए की वैल्यू कितनी है, 1, एच की वैल्यू मुझे लगता है -3 आ रही है हमारे पास, बी की वैल्यू आई है 5, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू भी 5 है हमारे पास, यहाँ पे 5, और यहाँ पे -3 था, यहाँ पे 5 था। एफ की वैल्यू देख लेते हैं, आ गया हमारे पास, एक सेकेंड, एफ की वैल्यू -7 है, -7, एफ की वैल्यू -7, यहाँ पे -7 ये, और सी की वैल्यू स्टूडेंट 9 है। तो ये डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करके देखना है कि इसकी वैल्यू जीरो आती है कि नहीं, ठीक है? नहीं तो दूसरा ट्रिक भी मैंने बताया था स्टूडेंट, वो जो आपको पूरा डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके लिखते हैं ना, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो याद नहीं रहता तो ये वाला टर्म आपको इजिली याद रहेगा, ठीक है? तो उसको भी याद करने के आप वर्ड्स याद कर सकते हो, जैसे ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोन फॉर सिनेमा, या जो भी आपको कॉलेज भी लिख सकते हैं, गोन फॉर कॉलेज, ऐसा भी लिख, जो भी आप जैसे याद हो वैसा आप कर सकते हैं इसको। चलो सिंपलीफाई करते हैं इसको, कितना आ रहा है स्टूडेंट बताइए। ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 1, 1 लिखा, अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देना, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट 5, 9 जा होता है 45, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ जाएगा, ये हो गया 49, ठीक है? फिर यहाँ पे माइनस साइन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑलरेडी दिया है, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जो है -3, तो माइनस माइनस कर देंगे तो ये हो गया +3, ठीक है? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो माइनस का 27 प्लस 35, ठीक है? फिर यहाँ पे फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट है 5, ये लिख दिया है, इसको डिलीट करना है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को, बाकी जो बचा है उसका डिटरमिनेंट। 3 × −3 × −7 करेंगे तो प्लस का 21, फिर माइनस का 25। ठीक है, सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं, ये हो गया 1 और ये 45 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल रहा है माइनस का 4। और यहाँ पे देख लेते स्टूडेंट 3, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है देख लेंगे 8, 8 × 3 = 24, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 8 आएगा, 8 × 3 = 24 डायरेक्टली मैंने लिखा है। फिर थर्ड ब्रैकेट में आपको मिलेगा माइनस का 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये एक सेकेंड, तो ये मिल रहा है मुझे लगता है माइनस का 20। ठीक है, तो बेसिकली आपको मिल रहा है ये 24 − 24 मतलब 0 मिल रहा है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। कई बार क्वेश्चन में क्या देते हैं कि यहाँ पे ना कोई अननोन दे देंगे, ठीक है, मतलब जैसे के यूज कर दिया, ए यूज कर दिया, और उसको बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो 1 है आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है तो एक ही वैल्यू बताइए, तो हमें ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा वो वाले केस में। यहाँ पे तो हम प्रूफ कर रहे हैं तो देयरफॉर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको वो दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो भी बताना है, क्योंकि इक्वेशन 1 है, ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, ये हमें प्रूफ किया है। अभी अगर उनके बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो स्टूडेंट अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, ऐसा लिखना चाहे तो लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख, ओके लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ओके बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, ओके सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी होल अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अभी आपको एच ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एच की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट -3 थी, ए की वैल्यू 1 थी एंड यहाँ पे बी की वैल्यू 5 थी। ठीक है, एच की वैल्यू -3 थी तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 2 × √9 -5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में तो मिलेगा हमें दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स, यहाँ पे मिलेगा √4, देख लीजिए 9 − 5 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो √4 अपॉन यहाँ पे 1 + 5 करेंगे स्टूडेंट 6 हो रहा है देख लीजिए, एंड अभी क्या कर सकते हैं देख लीजिए 2 × 1 = 2, ओके यहाँ भी अभी कैंसिल करना चाहे तो अभी कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, तो 2 × 2 √4 मतलब 2 हो गया आपके पास, यहाँ पे 6 है एंड अभी कर सकते हैं कैंसिल 2 × 1 = 2 2 × 3 = 2, तो स्टूडेंट कितना आ रहा है एक बार देख लीजिए, तो हमारे पास मिल रहा है फाइनली ये मिल रहा है मॉडुलस ऑफ 2/3। ठीक है, मतलब ये आपको मिल रहा है दिस इंप्लाइज टेन थीटा आपको मिल गया है यहाँ पे 2/3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बतानी स्टूडेंट पता नहीं है तो हम ऐसा लिखेंगे दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 10 inverse of 2/3। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया, सबका सेम आंसर आ रहा है कि कुछ अलग? सेम ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट वेरी गुड, यहाँ पे ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आपको जेई में भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी तक आपने 11th में नहीं पढ़ा है, स्कूल की बात की जाए तो आप 12th में ये पढ़ेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन्स मतलब यहाँ पे दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है और दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है 10 inverse of 2/3। ठीक है, अभी स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैंने लिया है इस टाइप का, तो ये वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ छोटा सा जो टॉपिक बचेगा वो है आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे
हमें क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग, ओके यहाँ पे इक्वेशन मिसिंग है तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है, 2 टाइम्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3 into y स्क्वायर प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 is equal to 0, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला है आपको k की वैल्यू निकालनी है, और ये बोला है कि ये जो इक्वेशन है मैंने लिखा है ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में, अच्छा मैंने क्वेश्चन मिसिंग, एक सेकंड स्टूडेंट, मैंने सही लिखा है कि नहीं? ओके, मैंने शायद गलत क्वेश्चन लिख दिया है। ओके, यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करें, मैंने पी लिख दिया, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है शायद, तो मैं चेक करती हूँ स्टूडेंट, वन सेकेंड। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0। हाँ अभी सही है, क्योंकि k की बात कर रहे तो k होना ही चाहिए, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको k की वैल्यू निकाल दी, और ये इक्वेशन आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं कंपेयर, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। कुछ नंबर देना चाहे तो नंबर दे दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली हम कंपाइल कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद इसको कंपेयर करेंगे, जनरल जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, 8 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3 into y स्क्वायर, एंड यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर, तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं वी क्या। तो प्लीज बताइए कंपेयर करके क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू मिल गई है 2, 2h की वैल्यू मिलेगी 4, मतलब h की वैल्यू 2 लिख दूं यहाँ पे, देख लीजिए, और b की वैल्यू हो गई -2, एंड स्टूडेंट उसके बाद अगर बात की जाए 2g आपके पास 4 हो गया, मतलब g की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। 2f हो गया 8, मतलब f की वैल्यू हो गई आपके पास 4, एंड c की वैल्यू हो गई k के बराबर, ठीक है। एवरीवन समझ में आया? यस मैम। इसको कुछ नंबर दे देते ताकि हम यहाँ पे यूज कर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सिंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, सिंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ AHG, देख लीजिए ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, AHG, यहाँ पे GFC आता है, GFC, यहाँ पे F, और जो बीच में जो प्लेस बचा यहाँ पे B, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, क्योंकि आपको दिया है क्वेश्चन में इक्वेशन 1 जो है रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, तो हमें ये मिलेगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो स्टूडेंट क्या है एक बार लिख देते हैं, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी 2, एच की वैल्यू 2 एंड -2, 2 2 एंड -2 पहले लिख देते, नहीं, ए की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 2 है, और जी की वैल्यू भी 2 है, ओके, ये है 2 2 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो गया, बी की वैल्यू शायद से -2 है, एक बार देख लेते हैं, बी की वैल्यू -2 है, एफ की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू के है, एफ की वैल्यू 4 है यहाँ पे 4, और सी की वैल्यू के है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लीज सिंप्लीफाई कीजिए, एंड इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, सो दिस इंप्लाइज, तो हमें क्या मिलेगा देख लीजिए, देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, तो 2 को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट 2 लिया, उसके बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तो बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो -2 into k करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो गया -2k, -2k, उसके बाद क्या मिलेगा देख लेते हैं, आपको मिलेगा माइनस का 16, उसके बाद माइनस साइन फॉर्मूले का आता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन, और यहाँ पे 2 कौन सा लिया है, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो 2 लिया है वो लेना है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना है, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 2k-1, ठीक है, 2k-8 हो जाएगा, उसके बाद प्लस साइन फॉर्मूले का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट है 2,
ये हो गया टू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना है आपको, बाकी जो एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट, 2 4 8, 8 + 4 हो रहा है यहाँ पे, 2 4 8 एंड यहाँ पे +4, 8 + 4, और ये इसकी वैल्यू आपको मिल रही है ऑलरेडी 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिलेगा माइनस का 4k -32, ये मिलेगा माइनस का 4k +16, एंड ये 8 + 4 12, 12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, 12 2 24। ठीक है, देख लीजिए अभी सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 4k मिल रहा है माइनस का 8k, और यहाँ पे आपको -32 मिल रहा है, और यहाँ पे इन दोनों का ऐड करेंगे तो प्लस का 40 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, माइनस का 8k एंड यहाँ पे प्लस का 8 आपको मिल रहा है इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे -8k आपको मिल रहा है -8, एंड k की वैल्यू की बात की जाए तो ये हो जाएगा -8/-8। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, प्लीज बताइए सबका, k की वैल्यू 1 आई, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, k की वैल्यू 1 आ रही है ना, बताइए। ओके स्टूडेंट, यस ओके स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज यहाँ पे आप रिस्पॉन्स करते रहिए, नहीं तो मुझे लगेगा आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो के की वैल्यू हमें 1 मिली है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अभी बात क्या कर रहे थे कि ये जो लाइन की बात करते, ये जो है ना और लिखा हुआ है यहाँ पे, और लाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। लाइन पैरेलल होती है तो स्टूडेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर लाइन पैरेलल होती थी h² - ab की वैल्यू 0 आती है, अगर h² - ab 0 नहीं आता है मतलब लाइन आपका पैरेलल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, लाइन को एक प्लेन के अंदर ले रहे, 2 डायमेंशनल में आप ले रहे हैं, तो कोई भी लाइन लेंगे तो वो लाइन या तो पैरेलल रहेगी या इंटरसेक्टिंग रहेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, h² - ab अगर 0 के बराबर आए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, h² - ab नॉट इक्वल टू 0 आया तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। तो ये हम चेक कर लेते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं h² - ab, चेक करते हैं तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से पता चल रहा था h की वैल्यू 2 है, और a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू -2, एक h की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू -2। ठीक है स्टूडेंट, इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये -(-+)4, तो ये आपको कितना मिल रहा है, प्लस का 8 मिल रहा है। तो लिख सकते हैं सिंस h² - ab नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं। सबको समझ में आया, प्लीज बताइए स्टूडेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन यस डेफिनेटली 12th में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये वाला हो गया है। तो एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है ऑलरेडी कि पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली जो मैंने लिखा है, ये आपका पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये कौन सी कंडीशन ये होगी फॉलो स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो a + b = 0 आता है। ठीक है, तो वो दोनों को यूज करके आपको यहाँ पे p और q की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं ये वाला, पहले तो आपको वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, एक तो वो हो गई, साथ में आप बोल रहे लाइन परपेंडिकुलर है मतलब a + b = 0, तो उसको सोल्व करके आपको p और q दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको कंपेयर करेंगे इसको एक बार, मैं अगर कंपेयर करके लिखूं, होमवर्क में देने वाली हूँ, ट्राई कीजिए, डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन इजी है इसको करना। देख लीजिए पहले तो जो इक्वेशन लिखी है उसको आप, ओके, 2 x² + 4 x (x, y) - 3 y² + 4x + (q, y) + 1 = 0, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग विद a² + 2 x y + b (x) y² + 2 g x + 2 f y + c = 0, तो स्टूडेंट आप इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो हमें ये मिलेगा, देख लीजिए a की वैल्यू मिल गई है 2, 2h की वैल्यू 4 मिली है मतलब h की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगी -p,
टू जी आपको मिल गया है, फोर मतलब जी की वैल्यू आपके पास हो गई फोर का आधा, ये हो गया टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू वाई आपको दिया है टू एफ के, तो मतलब टू एफ हो गया क्यू के बराबर, मतलब एफ की बात की जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया क्यू बाई टू, एफ हो गया क्यू बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे सी की बात की जाए तो सी हो गया वन। स्टूडेंट बहुत ईजी है, देख लीजिए लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब ए प्लस बी आपका किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी जीरो के बराबर हो गया, ए कितना है टू, ठीक है बी कितना है माइनस पी, तो यहाँ से तो आपको समझ में आया स्टूडेंट, पी की तो वैल्यू समझ में आ गई होगी यहाँ से, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब इक्वेशन वन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो यहाँ से एक तो बताएंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, दूसरा वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट जीरो है, तो उसको सोल्व करके पी की तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू आपको वहां से मिलेगी। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, एक बार बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, लेकिन बहुत इजी है। तो इसके साथ हमने जो कंबाइंड इक्वेशन की बात करे थे, ज्वाइंट इक्वेशन की बात, स्टूडेंट वो कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ये हमारे एक रह गया था, वो डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की। स्टूडेंट याद है हमने क्या किया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात करी थी, याद है किसी को, जब हमने क्या किया था, जैसे नॉर्मली हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, एक्स एक्सिस लेते हैं वाई एक्सिस, तो आपको पता है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0.0 होते हैं, हमने क्या किया था कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया था, 0.0 की जगह कोई एच कोमा के पे हमने शिफ्ट कर दिया था, तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करे थे, जो पुराने वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल थे और वाई एक्सिस के पैरेलल थे, ऐसा ड्रॉ किया था, मतलब जो न्यू एक्सिस था आप बोल सकते हैं एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस स्टूडेंट, वो आपका एच कोमा के पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं कोई वाले, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था अगर आप ओरिजिन को यहाँ पे, ओरिजिन सबसे पहले आपको पता है 0.0 होता है, अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं ओ डैश पे जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, और कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होते थे, स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऐसा होता था, तो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बोला था होता है, यहाँ पे आपने एक्स डैश कोमा वाई डैश लिया था स्टूडेंट, आप चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते थे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था स्टूडेंट याद है, हमने पढ़ा था अगर आपको सेम पॉइंट के, आपको कभी पूछेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट बताइए या न्यू कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये रिलेशन था x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड यहाँ पे स्मॉल y हो जाता था आपके पास y डैश प्लस k। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिलेशन यूज करके हमने काफी क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसको आप बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यहाँ पे, लेकिन हमने वो वाले केस में स्टूडेंट क्या किया था, आप बोल सकते जो एक्सिस था हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोला था, लेकिन जो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, उसको हम रोटेट करने वाले कोई एंगल से। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से, तो वो डिस्कस करना बाकी था, तो वो हम डिस्कस कर देते। प्लीज बताइए स्टूडेंट, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना लास्ट टाइम, बहुत सारे आपको क्वेश्चन में बोल देंगे कोई पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट ये है और ओरिजिन को शिफ्ट किया है आपने इस पे, तो न्यू कोऑर्डिनेट बताएंगे या ओल्ड कोऑर्डिनेट में पूछ सकते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस की, तो ये है क्या एक बार समझ लेते हैं, उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो उसके हिसाब से फिर हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, येलो कलर में मैंने आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखाया, मतलब दो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो आपको ओरिजिनली एक्सिस दिखे थे एक प्लेन के अंदर, आपको दो एक्सिस दिख रहे हैं यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल बोला है एक वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हम ये एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं कोई एंगल थीटा से, तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, ये दिख रहा है आपको थीटा, तो यहाँ पे जो आपको अभी ग्रीन कलर में मिल रहा है, देख लीजिए ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस बोला है, एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो एक्सिस बनाए हैं इनका ओरिजिन सेम ही है जहाँ पे मैंने ओ दिखाया है, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे उसके कोऑर्डिनेट 0.0 आ रहे थे, वैसे ही एक्स डैश एंड वाई डैश जो एक्सिस अभी नए मिल रहे हैं वो भी आपका 0.0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ में आया स्टूडेंट कैसे मिला, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, आप बोल सकते हैं ये न्यू एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला, जो ओरिजिनली आपको एक्सिस दिए हुए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट, तो उसको आपने एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, क्योंकि ये थीटा मैंने आपको दिखाया ब्लू कलर से। एवरीवन समझ में आ रहा है, डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, समझ में आया स्टूडेंट।
ओके तो स्टूडेंट, यस मैम। ओके स्टूडेंट यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। वापस एक बार बता देती हूँ स्टूडेंट, हमारे पास दो एक्सिस था। ये एक्सिस होता है क्या है बेसिकली स्टूडेंट, ये एक प्लेन में आपने दो स्ट्रेट लाइन ली थी ना, तो यहाँ मैं इसको एक्सिस बोल रहे थे। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और आपको पता है ये वाला इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा था, ओरिजिन पे, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे। तो अभी हमने क्या किया है, जो एक्सिस थे आपके ओरिजिनली, या बोलते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ओल्ड एक्सिस बोल सकते हैं एक्स एंड वाई, तो आपने उसको रोटेट कर दी है एंगल थीटा से। तो अगर एंगल थीटा से रोटेट कर दिया तो स्टूडेंट जो न्यू एक्सिस आपको मिल रहे हैं उसको नाम दिया है मैंने एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक बार चाहे तो वापस से व्हाइट कलर से दिखाती हूँ स्टूडेंट। इतने एंगल से आपने रोटेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ एक्स डैश ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एंड ये ओ वाई डैश आप देखो वर्टिकल एक्सिस, ऐसा हो गया, आपको दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, कोई पॉइंट था पी जिसके कोऑर्डिनेट हमने स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई माने थे, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पी है उसके एक्स स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई लिए हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। मतलब ओरिजिनल जो एक्सिस था उसके हिसाब से वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई है, ठीक है। तो अभी सेम पॉइंट के न्यू एक्सिस के हिसाब से, मतलब न्यू एक्सिस मतलब एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या रिलेशन यही बताना है कि पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। याद है स्टूडेंट जब हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करी थी एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अगर याद नहीं है तो एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट के अगर आपको रिप्रेजेंट करना है जो कोऑर्डिनेट है उसको, आप एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं जहाँ पे एक्स कॉमा वाई, दूसरा हम लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, वहां पे कुछ ऐसा लिखते हैं आर कॉमा थीटा कुछ बोल सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। तो आर आपको पता है वो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, और थीटा की बात करें तो देखो यहाँ पे डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैं कौन सा कलर यूज करूँ, ब्लू। देखिए पॉइंट पी देखिए जिसके कोऑर्डिनेट अभी हमने माने हैं एक्स स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस। तो यहाँ से अगर आप पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स हो गया, डायग्राम में दिख रहा है स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए सबको। यस मैम। ओके ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है जो पी मैंने बताया उसका न्यू एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट हो गया एक्स डैश एंड वाई डैश। तो आप पॉइंट पी का इसके जो न्यू एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए पी एन हो गया परपेंडिकुलर टू ओ एक्स डैश, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का यहाँ पे यूज। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट पी है ये जिसके कोऑर्डिनेट अभी मैंने स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई माना है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ओरिजिनल एक्सिस, और हम इसको सेम ऐसा लिख सकते हैं आर कॉमा अल्फा। अभी स्टूडेंट बोलेंगे अल्फा क्या है, स्टूडेंट डायग्राम में देखिए, तो हमने थीटा तो ये बोला है कि आपने जो एक्सिस था उसको रोटेट किया है एंगल थीटा से, मतलब देख लीजिए यहाँ पे अगर नाम मैं रीड करूँ स्टूडेंट आप बोल सकते हैं एंगल एक्स ओ एक्स डैश, ये आपको है थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और अभी अगर आप डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पॉइंट पी से यहाँ पे ओ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स हो गया। तो अगर हम यहाँ देखिए एक बार रिपीट करती हूँ मैं, एंगल एक्स ओ पी, अगर मैं एंगल एक्स ओ पी की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये एंगल को अगर मैं अल्फा मानती हूँ, देख लीजिए मतलब यहाँ पे अगर मैं व्हाइट कलर से दिखाऊँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल स्टूडेंट ये हम इसको मान रहे हैं अल्फा, ठीक है। और ये थीटा आपको पता है इतना था, एक बार मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ, ये थीटा आपका इतना था, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे ये ट्रायंगल का नाम ले सकती हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल पी एन ओ। तो ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं ये एंगल जो ओ के ऊपर बन रहा है मतलब एंगल एन ओ पी स्टूडेंट, ये अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, प्लीज बताइए डायग्राम में देख के बताइए, क्योंकि हमने थीटा किसको माना है, हमने थीटा माना है एंगल एक्स ओ एन को थीटा माना है, या एंगल एक्स ओ एक्स डैश को बोल सकते हैं थीटा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा हमने माना है एंगल एक्स ओ पी को, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। यहाँ पे मैं वापिस से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल आपका अल्फा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एन ओ पी आपके पास अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, किसी को डाउट है तो इसमें प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट का बात करने वाले हैं। तो अगर सेम पॉइंट जो पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए थे, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में आर कॉमा अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट बताइए, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट पी
के जो कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई माने हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बोल सकते हैं एक्सिस या बोल सकते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्सिस के हिसाब से, तो ये जो एंगल बन रहा है ओपी का ओ एक्स के साथ, ये एंगल आपका अल्फा है, तो इसके हिसाब से सेम पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट आप आर कॉमा अल्फा लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद है हम लास्ट टाइम थीटा यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा हमने क्या बोला है, आपने एक्सिस को रोटेट किया है एंगल थीटा से एवरीवन, इसलिए हम थीटा नहीं ले रहे यहाँ पे। तो बेसिकली अब बात की जाए, जो यहाँ पे देखिए अपने नाम एक बार रीड करती हूँ, यहाँ पे एंगल एक्स ओ पी ये आपका अल्फा है। ठीक है, इसके हिसाब से स्टूडेंट पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया पॉइंट पी के, ये आप जो एक्स कॉमा वाई लिखे हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, और आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में आर कॉमा अल्फा लिख सकते हैं। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, एवरीवन समझ में आया? नो मैम। ओके स्टूडेंट, और लास्ट टाइम याद है हमने क्या किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन था, याद है एक्स इज इक्वल टू, वहां पे अगर थीटा लेते थे तो हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा लिखते थे, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अल्फा है, ये एंगल जो बेसिकली आप बोल सकते हैं ओपी रे है, बेसिकली ओपी जो बना रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब एंगल एक्स ओपी ये आपका अल्फा है, तो इसके हिसाब से स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं देख लीजिए, तो यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कोस अल्फा हो गया, वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो, बहुत इजी है, लास्ट टाइम भी प्रूव किया था, क्योंकि आपने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ओ एक्स के ऊपर, तो आपका पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तो हमने ये लिख दिया एक्स हो गया आर कोस अल्फा, वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा हो गया। और अभी बात की जाए स्टूडेंट, ये जो सेम पॉइंट पी है इसके न्यू कोऑर्डिनेट हमने माने हैं एक्स डैश एंड वाई डैश, तो न्यू एक्सिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो न्यू एक्सिस के हिसाब से मतलब पॉइंट पी से आपने न्यू जो एक्सिस है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स डैश एक्सिस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब पी एन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स डैश के ऊपर। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मतलब ये ट्रायंगल के अंदर पी एन ओ, ट्रायंगल पी एन ओ में ये जो एंगल बन रहा है एंगल एन ओ पी आपका अल्फा माइनस थीटा है, तो स्टूडेंट यहाँ से आप कैसा लिखेंगे एक्स डैश एंड वाई डैश को देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स डैश आपका हो जाएगा आर कोस अल्फा माइनस थीटा, वाई डैश हो जाएगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा। जस्ट यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक के जो फॉर्मूले हमने पढ़ा है कोस ऑफ ए माइनस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, उसको यूज करके इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा, देख लीजिए एक्स डैश मिल जाएगा आर इंटू कोस अल्फा इंटू कोस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट मिलेगा आर कोस अल्फा इंटू कोस थीटा प्लस आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट याद है किसी को कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना? या यस तो ये हो गया कोस ए, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये ऐसा होता है कोस ऑफ ए माइनस बी आपके पास किसके बराबर होता है कोस ए इंटू कोस बी, तो यहाँ पे बीच में माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस आता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये यूज किया है और इसको लिखा है स्टूडेंट, उसके बाद क्या किया है आपको पता है ऊपर एक्स आपने लिखा है आर कोस अल्फा, तो आर कोस अल्फा को रिप्लेस कर दिया एक्स से, आर साइन अल्फा को रिप्लेस कर दिया है वाई से, तो आपको ये रिलेशन मिला। ठीक है स्टूडेंट, डोंट वरी कैसे याद करते हैं उसका मैं ट्रिक भी बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेई के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन में कई बार देंगे कि आपने एक्सिस को रोटेट किया है कोई एंगल से, एंगल आपको दे देंगे 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो बोलेंगे कोई पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट बताइए या ओल्ड कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो ये हम रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तो हमें यहाँ से मिल रहा है एक्स डैश हो गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा स्टूडेंट, एंड यहाँ से वैसे ही वाई डैश हम निकालेंगे, तो वाई डैश हमने पिछले में क्या लिखा था आर इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, तो इसको ओपन करेंगे तो आपको ये मिल रहा है आर साइन अल्फा कोस थीटा माइनस आर कोस अल्फा साइन थीटा, एंड यहाँ से आपको पता है आर साइन अल्फा बेसिकली वाई है और आर कोस अल्फा है एक्स, तो ये बेसिकली ये मिला स्टूडेंट, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स डैश मिला है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश मिला है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने डिराइव कर दिया, और ये दूसरा वाला कहाँ से मिला, ये बेसिकली हमने जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ा है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है, तो स्टूडेंट वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो इक्वेशन में टिक मार्क करके दिखा दूँ आपको रेड कलर से ये वाला। ठीक है, सपोज आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कोस थीटा से, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा एक्स डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे फिर यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला ये वाला,
आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सपोज आपने इसको मल्टीप्लाई किया है साइन थीटा से, तो फिर आपको मिलेगा वाई डैश इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस वाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर जो इक्वेशन मिले उसको एड या सब्ट्रैक्ट आपको देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी यूज करना है मुझे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, तो एड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ। तो स्टूडेंट वही करके आपको फाइनली ये वाले भी मिलते हैं जो मैं अभी टिक कर रही हूँ। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ लेकिन आप बोलेंगे मैम कैसे याद करें, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसका मैं ट्रिक आपको बताती हूँ स्टूडेंट। ये रिलेशन हो गया, यहाँ से अगर आपको न्यू कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब एक्स डैश एंड वाई डैश निकालना है तो ये यूज करेंगे। अगर आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स एंड वाई सेम पॉइंट का, तो आप ये वाला सेकंड जो ये है मैं टिक करके दिखाती हूँ आपको, ये जो मैंने लिखा है ये वाला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन याद कैसे करेंगे वो इसका ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जो भी चीज मैंने लिखा है वो इसको एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखाती हूँ। ये टेबल आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या किया है, आप बोल सकते हैं कि आपने देखिए तीन कॉलम बना ली है, तीन रो बना ली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रो में पहले वाली जगह खाली रखेंगे, फिर लिखेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट, एक्स और वाई लिख दिया है, और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो पहला जगह खाली रखा आपने, फिर एक्स डैश वाई डैश रखा है। और यहाँ पे देखिए मैं टिक करके दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। ये वाली बात स्टूडेंट एक बार एकदम इजी है इसको, मतलब अगर याद करना भी तो यहाँ पे x एंड y आपने लिख दिए हैं, सिर्फ याद रखना स्मॉल x एंड स्मॉल y ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट का। x डैश एंड y डैश हमने क्या लिया, न्यू कोऑर्डिनेट लिया है सेम पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिससे आपने जो ओरिजिनल जो एक्सिस थे उसको रोटेट किया है। ठीक है, तो ये बात होगी स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर हमें कोई भी अभी रिलेशन डिराइव करना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा है न्यू कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स डैश निकालना है वाई डैश निकालना है, तो बहुत इजी है। देख लीजिए अगर आपको निकालना है एक्स डैश, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ पे कोस थीटा स्टूडेंट, मतलब यहाँ से देखिए ऐसा आप जाएंगे, रो वाइज आप ऐसा जाएंगे, तो एक्स डैश आपके पास हो जाएगा एक्स इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, वैसे अगर आपको y डैश निकालना रहेगा तो y डैश आप ऐसा जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऊपर जो x मल्टीप्लाई भी करके लिखना पड़ेगा, तो y डैश हो जाएगा आपके पास x इंटू माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे y इंटू कोस थीटा। किसी को डाउट है तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं वापस से बता देती हूँ क्या करने का, जो भी मैंने लिखा है उसको इरेज करती हूँ। तो ये टेबल अगर आपको याद है स्टूडेंट तो आप यहाँ से जैसा ही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसी टाइम लिख सकते हैं। एवरीवन देखिए, जैसे मैंने x डैश का बताया, अगर आपको x डैश का वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे x डैश हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा। मतलब एक बार वापस से यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आपको x डैश चाहिए तो उसमें ये करना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर बीच में प्लस साइन लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बार समझ में आई एवरीवन, बता दीजिए। और स्टूडेंट अगर आपको y डैश लिखना है तो क्या करेंगे, y डैश आपको मिल जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन करके y को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो होगी x डैश एंड y डैश की। अगर सेम टेबल से मुझे x एंड y लिखना है, मतलब कई बार बोलेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या करेंगे, मुझे अगर यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला चाहिए x का वाला, तो आप क्या करेंगे, ये देखो ये वाला कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन x कैसा मिलेगा, x हो जाएगा आपका x डैश इंटू कोस थीटा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y डैश इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मुझे y लिखना है तो यहाँ से y हो जाएगा आपके पास x डैश इंटू साइन थीटा प्लस y डैश इंटू कोस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में करके दिखाते ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जेई में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपने एक्सिस को रोटेट किया है कोई एंगल से, और मतलब थीटा की वैल्यू आपको दी रहेगी, और क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कोई पॉइंट की न्यू कोऑर्डिनेट बताइए या ओल्ड कोऑर्डिनेट बताइए एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप रिलेशन लिख सकते हो, बट ये टेबल आपको बस एक बार समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, इफ द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द पॉइंट पी हैज न्यू कोऑर्डिनेट, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ पी, स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा पढ़ के कि क्या दिया है और क्या निकालना है, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे। यहाँ पे एक्सिस को रोटेट किया है एंगल से 45 से, तो मतलब यहाँ पे क्या दिया है आपको, थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा आपको दिया है 45 डिग्री। ठीक है,
और क्या बोला स्टूडेंट, कोई पॉइंट पी है उसके न्यू कोऑर्डिनेट बताए हैं, न्यू कोऑर्डिनेट बताए मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक्स डैश आपको दिया है टू रूट टू, वाई डैश आपको दिया हुआ है स्टूडेंट रूट टू, ठीक है। और आपको क्या निकालना, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट निकालना पॉइंट पी के, मतलब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। लेकिन रिलेशन कैसे लिखेंगे तो वो टेबल में वापिस से बना के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो टेबल जो बनाई थी हमने, एक बार बनाते हैं फटाफट। ये वाली अगर टेबल पता चल गई स्टूडेंट तो आपको बनाना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन रोटेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन रो तीन, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं टोटल कितने बॉक्सेस बना रहे हैं, 9, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले वाला ओपन यहाँ पे खाली रखना है, तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए एवरीवन। और यहाँ से अभी क्या करना है आपको स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स और वाई को कैसा लिखेंगे। तो यहाँ से आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए एक्स हो जाएगा एक्स डैश कोस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा को, तो माइनस वाई डैश साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, एंड वाई आपके पास हो जाएगा देख लीजिए एक्स डैश इंटू साइन थीटा, एक्स डैश इंटू साइन थीटा प्लस आपको मिल जाएगा वाई डैश इंटू कोस थीटा। प्लीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताइए क्या आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं करके बता देती हूँ, दिस इंप्लाइज एक्स आपका हो गया, एक्स डैश आपको दिया हुआ है टू रूट टू दिया हुआ है, कोस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री दिया हुआ है आपको, माइनस वाई डैश हमें कितना दिया था रूट टू दिया था, एंड साइन 45 पे, ठीक है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करते क्या आता है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे टू रूट टू, एंड देखते हैं कोस 45 डिग्री पे आपको पता है कितनी वैल्यू होती है 1/√2, एंड यहाँ पे माइनस साइन है तो रूट टू इंटू साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे रूट टू एंड साइन 45 डिग्री पे होते हैं वैल्यू 1/√2। स्टूडेंट कितना आ रहा है देख लीजिए, रूट टू कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से भी, तो हमें मिल रहा है एक मिनट, यहाँ पे टू इंटू वन टू हो गया, यहाँ पे माइनस वन तो वैल्यू वन आ रही है क्या, प्लीज बताइए yes, की वैल्यू। वेरी गुड, वैसे ही वाई की हमने जो लिखा था लिख लेते हैं, वाई हमने लिखा है एक्स डैश इंटू साइन थीटा, एक्स डैश इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस साइन था हमारे पास वाई डैश इंटू कोस थीटा, वाई डैश इंटू कोस थीटा, एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स डैश था हमारे पास टू रूट टू इंटू साइन 45 डिग्री, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा था वाई डैश जो आपको दिया है रूट टू इंटू कोस 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, टू रूट टू एंड साइन 45 डिग्री पे वैल्यू आई थिंक सबको पता है 1/√2 होती है, यहाँ पे प्लस रूट टू इंटू 1/√2। सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे रूट टू कैंसिल, 3 आ रहा है क्या, देख लीजिए एक बार लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये हो गया 2+1, मतलब ये हमारे पास 3 हो गया, सो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई, देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1, 3, ये जो है ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट का जिस पॉइंट पर उन्होंने पूछा था, ठीक है 1, 3 इज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ p, ऐसा लिख सकते हैं। आर ओरिजिनल coordinates of point P, original coordinates of point P। चलिए एग्जाम जे में आया हुआ, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का पूछा था, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी कोई पॉइंट का, हो सकता है आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स पूछे लेकिन आपको बताया जाएगा कि एक्सिस को कितने एंगल से आपने रोटेट किया है, ठीक है। तो ये रिलेशन में आप याद रखना, जब भी हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत काम आएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए हमने कराया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए सही हो गया स्टूडेंट एवरीवन। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इसके साथ हमने स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट कर लिया है, तो सर्कल का चैप्टर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टाइम हो गया है, तो सर्कल का जो है डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करे कि अभी करे प्लीज बताइए एवरीवन। तो हमने आज के लिए इतना ही किया है, स्ट्रेट लाइन हमारा ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है।
तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सर्कल का चैप्टर बताइए, अभी करना है कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट अभी हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट कर लिए हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है सर्कल, ठीक है? तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन, ये छोटा ही है चैप्टर है। तो अगर आप पे बात की जाए स्टूडेंट सर्कल का मतलब क्या होता है, हमने आई थिंक 8, 9, 10th में भी सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है। एक बार अगर हम बात की जाए स्टूडेंट डेफिनेशन की बात की जाए तो सर्कल क्या होता है, क्योंकि हमने लोकस का डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई पॉइंट का अगर मैं बात करूँ लोकस क्या होता है, मतलब कोई पॉइंट ऐसा जो मूव कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें सर्कल की, तो स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन Which moves in such a way that its distance from a fixed point is constant. मतलब एक ऐसा moving point है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहे हैं कि उसका डिस्टेंस हमेशा कोई फिक्स पॉइंट से सेम रहना चाहिए, तो आपको जो मिलेगा वो सर्कल मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो आप बोल सकते हैं सर्कल वो पॉइंट का लोकस है जो ऐसे मूव कर रहा है कि जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट आता है। जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है स्टूडेंट उसको हम आर बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है उसको आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? समझ में आ रही है ये वाली बात? प्लीज बताइए, लास्ट टाइम भी हमने डिराइव किया था इसका जब लोकस के बारे में पढ़ा था कि इक्वेशन क्या आती है सर्कल की, ठीक है? अगर दूसरा डेफिनेशन की बात की जाए स्टूडेंट, दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्कल वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है, मतलब इट इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन जो ऐसा मूव कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अगर मूविंग पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट आप लोकस वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि वो लोकस की बात करें तो वो मूविंग पॉइंट का लोकस मतलब उसने क्या पाथ फॉलो किया है वो बता रहे हैं कुछ कंडीशन ध्यान में रखते हुए, ठीक है? तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर्कल क्या है, वो पॉइंट का लोकस है जो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे बेसिकली कि जिसका डिस्टेंस हमेशा आपका एक फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट आया है, कॉन्स्टेंट जो डिस्टेंस है उसको तो रेडियस आपने बोला है, फिक्स पॉइंट को यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल बोला है स्टूडेंट। और दूसरा डेफिनेशन भी ऐसा भी बोल सकते हैं सर्कल वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है या सेट है जिसको बेसिकली यहाँ पे बात की जाए फिक्स डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट से, ठीक है? जो फिक्स पॉइंट है उसको तो आपने सेंटर ऑफ द सर्कल बोला है, और फिक्स डिस्टेंस बोल सकते हैं या कॉन्स्टेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है स्टूडेंट? ये वाली बात समझ में आई क्या एवरीवन, बता दीजिए? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें सर्कल का, तो हमने जैसे लोकस में सीखा था ना वैसे हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन की, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट कोई सर्कल है उसका सेंटर मैंने बोल दिया ओरिजिन पे, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ तो इक्वेशन बताइए वो यहाँ पे सर्कल की जो उसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर दिया है, तो आप कुछ ऐसा बताएंगे x² + y² = r², क्योंकि लोकस का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। आप चाहे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे h, k ले लीजिए, आपको पता है डिस्टेंस हमेशा सेम होने वाला है, मतलब फिक्स पॉइंट जो ओ है उससे डिस्टेंस पॉइंट का सेम आने वाला है, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने x, y डायरेक्टली लिखा है, आप चाहे तो h, k लेके बाद में h और k को रिप्लेस कर सकते हैं x और y से, ठीक है? तो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगी, कहाँ से मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि जो अंडर रूट आता है स्टूडेंट आप अंडर रूट को रिमूव करना है तो दोनों साइड में स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है? तो x² + y² = r², ये वो सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर आपका ओरिजिन पे है, रेडियस हो गया आर यूनिट, ठीक है स्टूडेंट? किसी को डाउट है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डायरेक्टली मैंने इक्वेशन लिखा है। सबको समझ में आया, प्लीज बता दीजिए। ओके, अच्छा स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैंने सेंटर आपको ओरिजिन की जगह कुछ अलग बोल दिया होता, जैसे मैंने बोल दिया सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है h, k, तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते थे ना आप, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते। ओके, सेम चीज मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट में दिखा रही हूँ, सेंटर रेडियस होगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि देखो यहाँ पे मैंने कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे h, k लिया, आप चाहे तो कुछ अलग नोटेशन भी ले सकते हो, यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने h, k लिया है, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा आपका जो सर्कल मिलेगा वो ओरिजिन पे ही रहेगा, कुछ और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला है कि वो सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर h, k पे है और रेडियस r है, तो आपको यही मिलेगा x - h² + y - k² = r², ये भी कहाँ से आएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है? समझ में आ रहा है, क्योंकि p मैंने कोई भी रेंडम पॉइंट लिया है सर्कल के बाउंड्री के ऊपर, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लिया है यहाँ पे, या सर्कल पे भी बोल सकते हैं, एक पॉइंट लिया है, उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से बराबर आएगा किसके, रेडियस के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये मिलेगा,
ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि उस टाइम जब हमने लोकस की बात करी थी स्टूडेंट, उस टाइम हमने एच एंड के कोऑर्डिनेट लिया था, यहाँ पे एच एंड के लिया था पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, बट अभी मैंने डायरेक्टली ये लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। आपका बुक में कैसा दिया है प्लीज मुझे बताइए, सेंटर के लिए क्या उन्होंने नोटेशन यूज किया है, सेंटर कौन से पॉइंट पे लिया है आपका टेक्स्ट बुक में। एवरीवन जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे, एनसीईआरटी बुक में क्या लिया उन्होंने एच, या तो आप चाहे तो एक्स वन वाई वन ले लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो सेंटर लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने एच कॉमा के बताया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली आया है, ठीक है। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मैंने स्क्वायर किया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एवरीवन, ओके ठीक है। ये स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास सेंटर रेडियस फॉर्म। उसके बाद होती है डायमीटर फॉर्म, ये डायमेट्रिक फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपको बोलेंगे कि जो सर्कल का डायमीटर है उसका आपको एंड पॉइंट बता देंगे, ठीक है, तो मतलब बता देंगे कि जो सर्कल है उसका डायमीटर के एंड पॉइंट ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब ए बी आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल है स्टूडेंट, तो उसका इक्वेशन आपका हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि मैम आया कहाँ से, तो मैं दिखा देती हूँ आपको डायग्राम से। अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपको पता है ए बी यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड स्टूडेंट और डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था स्टूडेंट कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका स्लोप में क्या रिलेशन आता है, वो भी यूज कर सकते हो। तो देख लीजिए एक बार, मैं इसका डेरिवेशन दिखा देती हूँ आज के लिए। तो अगर हमने कोई पॉइंट पी लिया है सर्कल के ऊपर, ठीक है, इफ वी आर टेकिंग कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये लिया है, तो स्टूडेंट यहाँ से ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ठीक है, तो आप ए और पी को ज्वाइन करेंगे और आप यहाँ पे पी एंड बी को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। और हमने क्या पता है स्टूडेंट, एंगल जो सेमी सर्कल में बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे जो ये एंगल जो पी के ऊपर बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने अब तक जो सर्कल के बारे में पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि एंगल जो सेमी सर्कल में बन रहा है वो राइट एंगल बनता है। मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल की बात कर रहे ए कौन सी है, यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए पी बी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो समझ में आया, क्योंकि ए बी यहाँ पे सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है, तो ए बी डायमीटर है, तो यहाँ पे आपने पॉइंट पी को ज्वाइन कर लिया है, ए से पी को ज्वाइन किया है, बी से जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो आपको पता चलेगा जो एंगल पी के ऊपर बन रहे वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अगर ये आप बोल रहे हैं एंगल पी जो है, एंगल ए पी बी ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए पी निकाल सकते हो आप, स्लोप ऑफ बी पी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने डायग्राम के हिसाब से ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी हो गया स्टूडेंट। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था, स्लोप ऑफ ए पी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ बी पी हो जाएगा माइनस वन, वही यूज करके आपको यहाँ पे फाइनली ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे देंगे कि जो सर्कल के जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट ये है, तो डायरेक्टली आप क्या है सर्कल का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एवरीवन, बता दी ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना करते, आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट। तो अभी हमारे पास क्या है, तो आज के लिए इतना, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद।